इस जमी पर चांद तारे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे ही दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले पद्देव जी उठे हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। आजकल परीक्षाएँ चल रही हैं तो परीक्षाओं का जो टाइम होता है वैसे तो 9 बजे का होता है, लेकिन जिनको देख रेख करनी होती है उनको 6 बजे ही जाना होता है। परीक्षा होने के मतलब आपको परीक्षा टाइम से बहुत पहले पहुंचना होता है, कापियाँ, पेपर, ये सब संभालना, उनको देखना। तो पद्देव जी की ड्यूटी थी जो कि उन्हें 6 बजे निकल जाना था मतलब, और बहुत ज़्यादा दूर है नहीं ऑफिस, तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो मैंने कहा सबसे पहले सुबह की शुरुआत अपने थायराइड की गोली के साथ और इनके चाय नाश्ते के साथ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको चने और बादाम दे दिए थे, उसके बाद खाने के आधा घंटा बाद चाय लेते हैं चने वने खाने के बाद। और चाय बना दी है, खुद भी थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं क्योंकि मुझे वॉक पे जाना है। मैंने कहा जब इतने सुबह उठ ही गए हैं तो फिर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कराते हैं। वॉक करके जो सुकून शांति मिलती है ना, कहने वाली बात नहीं है। तो मैं और पद्देव जी दोनों जो लोग साथ साथ निकले हैं वो अपने ऑफिस चले जाएंगे, मैं वॉक करके घर आ जाऊंगी। हालांकि वॉक करने की अनुमति तो नहीं होती है जिस टाइम पे परीक्षा होती है, लेकिन हाँ हम लोग मतलब कर सकते हैं। जैसे मतलब बाहरी लोगों के लिए खास करके मना हो जाती है, बाहर के लोग जो है अंदर नहीं आ सकते हैं, अंदर के लोग भले ही बाहर जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई जहाँ मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पर नहीं, जहाँ पे वैसे भी मतलब बच्चों का आने का टाइम नहीं है, सिर्फ वही लोग जाएंगे, मेन लोग जाएंगे जिनको पेपर कापी संभालना होता है, रिसीव करना होता है, ये सारी जिम्मेदारी होती है परीक्षा कराने की और देख रेख करने की, तो वो लोग जाते हैं। बाकी तो बच्चे 8 बजे के बाद ही आते हैं, 9 बजे से पेपर होता है तो 8 बजे से। चलो ये सब बातें मैं छोड़ती हूँ, ये सब पतिदेव जी की बात ही है, वो संभाले। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे घर में कोई मतलब एसी होती है ना तो हमें ये बताना होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, तो फिर आ ही जाता है। जैसे बच्चों को लेकर, पतिदेव जी को लेकर, अब यहाँ पे रहती हूँ इन सब की बात करूँगी, ससुराल में रहूँगी तो सबकी ससुराल में भी आ जाते हैं, तो फिर जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे बात हो ही जाती है थोड़ी बहुत। वैसे मैं इस विषय पे, इस बात पे, पद्देव जी की ड्यूटी और ऑफिस, बच्चों का स्कूल, इन सारी विषयों पे मैं चर्चा बहुत कम ही करती हूँ या फिर करना ही नहीं चाहती हूँ, और जो कि सही भी है क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल आने लगेंगे, फिर एक एक करके उनका जवाब देना पड़ेगा। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस मतलब अंदर की जो ये बहुत बड़ा मतलब ऐसे है यूनिवर्सिटी कैंपस, किसी हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती गर्मियों की छुट्टियों में, हिल स्टेशन और बहुत सारी जगहों पे हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस ही इतना सुंदर है, हरा भरा है और ठंडा है ना, कि हमें यहीं आके बहुत सुकून मिलता है। इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में पूरी गर्मी कहीं भी नहीं गई और अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब गर्मी में भी राहत देती है यूनिवर्सिटी कैंपस, शाम के टाइम आप टहलने आओ, सुबह के टाइम टहलने आओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं ही नहीं, घर के मतलब अंदर ही वाले नहीं, मतलब स्टॉप वाले या फिर जैसे टीचर लोग या फिर कर्मचारी लोग, उनके ही परिवार के लोग नहीं, बहुत सारे बाहरी बच्चे, बहुत सारे बाहरी लोग भी यहाँ पे वॉक करने आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, छोटे छोटे बैट बॉल खेलने आते हैं, बड़े लोग बैडमिंटन वॉक, और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस भर्ती वाले ऐसे आते हैं जिनको दौड़ लगानी होती है। कहने का मतलब ये है मेन मुद्दा कि यहाँ पे ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ की आपको वॉक करने के लिए भरपूर जगह मिलती है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, सुकून आता है, शांति आती है, मन एकदम से फ्रेश हो जाता है, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। अब भाई पद्देव जी ड्यूटी चले गए, कोई बहुत ज़्यादा काम था नहीं, बच्चे भी सो ही रहे थे, तो मैंने कहा मैं क्या ही करूँ, चलो एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ। तो आप लोग पूछते हैं ना कितने मिनट की आप वॉक करती हूँ, ऐसा कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं रहता, मिनिमम 1 घंटा कर लेती हूँ या फिर कम टाइम होता है जैसे बच्चों का स्कूल होता है तो मैं 30 मिनट तो करती ही करती हूँ। बाकी एक्सरसाइज भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 40-40 की मतलब 20-20 की 2 सेट कर लेती हूँ या फिर 20-20 की 3 सेट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा किया 3 सेट, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता, ना ही इससे ज़्यादा मैं कर पाती हूँ। देखिए खुद को, शरीर को भी देखना, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज कर करके अपने शरीर का भी सत्यानाश कर लें, हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ना करें अपने शरीर पर तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे बहुत कम खाना शुरू कर दें या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर बहुत कम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, हमें कोई भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं करनी चाहिए, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। हमें अपना
सोच करके कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हमें कितना करने से मतलब हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा या फिर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों की को भी आप अपने ध्यान में रख के जो भी एक्सरसाइज वॉक करते हैं करें। हमें अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने डाइट में क्या लेना चाहिए या हमारे शरीर के लिए कौन सी डाइट अच्छी होती है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका वज़न भी जल्दी कम हो जाएगा और क्या कहते हैं वज़न बढ़ेगा भी नहीं। तो इन सारी ज़रूरतों को, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप वेट लॉस जर्नी अपना स्टार्ट करें और शुरुआत करें, बहुत अच्छा होगा। देखिए, जिनको होता है पीसीओडी, थायराइड, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हमें लगता है हमारे बच्चे नहीं हुए थे, यानी आज से नहीं, मुझे 14 साल से थायराइड है और जब से मुझे थायराइड हुआ तब से मेरा वज़न बढ़ा। जब मैं गोरखपुर में आई, गांव में तो पहले मेरा मतलब रूटीन ठीक ठाक था, लेकिन जब गांव से कोई शहर में आता है तो वहां के तौर तरीके में ढलने में उसे टाइम लग जाता है। और मुझे गोरखपुर आके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने पीने को मिली जो कि मैंने खाया भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, देखा तो दूर, नाम भी नहीं सुना था। कहाँ पहले पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें होती थी। हम लोग समोसा, जलेबी कभी कभार खा लेते थे। गांव के लोग तो वही दाल चावल, रोटी सब्जी, दूध दही, मट्ठा छाछ, यही सब खाते थे, साग सब्जी हरी ताज़ी। अब शहर में तो ये सब तो मिलता नहीं था, दूध दही मट्ठा छाछ। अब पद्देव जी बर्गर लाते, कभी चाउमीन लाते, कभी टिक्की फुल्की समोसा लाते, ये सब खाते खाते एक तो थायराइड था, दूसरे वज़न भी बढ़ गया। अब भाई जब खा ले आए तो फिर कोई तो फेंकेगा नहीं, ये होता है चलो भाई खा ले। और फिर बाद में ये सारी समस्या बढ़ी, फिर वज़न बढ़ता गया, वज़न बढ़ता गया और अच्छा भी लगता था कि भाई अब चलो भाई मायके से ससुराल में आए, वज़न बढ़ रहा, खुशी की बात होती है कि लड़की ससुराल में गई है, खाते पीते घर की मोटी हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। और उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, गोलू पेट में आया, तो उसके बाद से तो मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। उसके बाद फिर से मैं मतलब बच्चा पेट में रहता तो दुगुना तिगुना खाने पीने का मन होता है। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि हद से ज़्यादा भूख लगती है। फिर से वही खाना पीना, 6-6 रोटियाँ, 7-7 रोटियाँ, कभी कभी तो मैं गोलू की होने के बाद मैं आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मैं 10-10 रोटियाँ, 12-12 रोटियाँ खा लेती थी, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि उस टाइम पे रोटियां ही खानी होती थी, चावल नहीं खाना होता था। तो मेरा वज़न इतना भयंकर बढ़ा ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब धीरे धीरे करके 89 98 तक पहुंच चुका था वज़न। और उसके बाद फिर दूसरी प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, गोरी आ गई। तो फिर ज़्यादा दोनों बच्चों में अंतराल नहीं है, 2 साल का अंतर है, तो दोनों बच्चों को संभालने में जो हालत हुई हमारी ना, खुद का ध्यान ही नहीं रहा कि वज़न कभी कम करें, खुद को मेंटेन करें। चेहरे पे इतनी झाइयाँ, दाग धब्बे, काले ब्लेमिसेस, ऐसे गले में बहुत ज़्यादा ऐसे काले काले जैसे होते ना, कुट्ठ सा जम गया था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं मतलब कभी सही हो पाऊँगी। हर रोज़ पिंपल दाने, 2-4 फोड़ियाँ मुँह में निकली। आजकल जो मेरी स्किन आप लोग देखते हो ना, इतनी चमकती है, फ्रेश होती है, पूछते हो ना, तो उसका रीज़न कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं चेहरे पर लगाती हूँ, मतलब ऐसे बाहर की मार्केट की चीज़ें जैसे क्रीम पाउडर, फेस क्या कहते हैं, फेस पे। इसका सिर्फ रीज़न है कि हेल्दी डाइट ही जो है आपको, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ना, पहले क्या होता ना, मन ऐसे हुआ रहता था, वज़न ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ में होता था, मन ऐसे उदास रहता था। लेकिन अब वज़न कम हुआ तो मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई, अब आते हैं रूटीन की तरफ। गर्म पानी मैंने मसाला वाला फैट कटर ड्रिंक गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा टाइम बचा था। तो आज मैं बनाऊंगी सिंपल पकौड़े वाली कढ़ी। दही बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा रखा था। अब गर्मी के मौसम में क्या ही बनाइए समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चीज़ खाने का मन नहीं होता है। भिंडी रखी थी, कद्दू रखा था, शिमला मिर्च रखी थी, ये सब खाने का मन नहीं था। मेन रीज़न क्या था कि दही खट्टी रखी थी, और दही खट्टी का मैं एक दिन सोच रही थी कि मट्ठे वाले आलू बना दूँ। अगर मट्ठे वाले आलू बना दूँ तो बहुत कम बच्चों को पसंद आती, तो मैंने कहा चलो भाई कढ़ी ऐसी चीज़ है जो हम सब चारों को पसंद आती, यानी चारों को तो छोड़ो, हमें लगता है हर घर में कढ़ी पसंद की जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घोल के रख दिया, ये जितना फूलेगा ना उतनी पकौड़ियाँ आपकी फूली फूली बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने फैट कटर ड्रिंक लेके बैठा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है आप गर्म पानी पीते कैसे हो। देखो, मुझे आदत हो गई, मुझे अच्छा लगता है, अपने टाइम से सारे रूटीन करना अच्छा लगता है। मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। और आज के नाश्ते में मैंने चिया सीड, ओट्स,
इसको ओवरनाइट सोक किया है, दूध में डाल के इनको भिगो के फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद सुबह के टाइम एक बड़े साइज का सेब काटा है और 8 से 10 मैंने इसमें किशमिश डाला है। थोड़ा सा दूध और ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी सूखा सूखा लग रहा था और ये भरपूर आपका पेट भरना था। इसके एक दिन पहले व्रत था, भूख जोरों पर लगी थी तो मैंने कहा ऐसा क्या नाश्ता बनाऊँ, बच्चे भी दूध चना खा लिए, बद्दे भी चना खा के चाय पी के ऑफिस चले गए, कोई नाश्ता करने के लिए था ही नहीं। अभी तक बच्चे सो रहे हैं, मतलब अभी उठेंगे तो वो लोग चना खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं अपना दूध और ये ओट्स, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाता है, पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है। उसके बाद मैंने दोपहर के लंच की शुरुआत की। आज मुझे करेले का चोखा बनाना था, जो कि पति जी की फरमाइश थी कि करेले में बहुत ज़्यादा ऑयली बना देती हो, इनको भरवा भर के आज इसका चोखा बनाने में। मेरा चोखा होगा कैसे, मैं कहती हूँ उबाल के रख देती हूँ, आप आना चोखा बनाना। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि भाई करेले का भरता कैसे बनाते हैं और जो भी उसमें बताया गया मैंने उसी तरीके से बनाया। हाँ, टेस्टी लगा था, मतलब अब करेला है तो भाई कड़वा तो होगा, चाहे जिस तरीके से बनाओ, इसे तल के फ्राई करके भरवा जैसे मर्जी वैसे बना लो, लेकिन कड़वा तो कड़वा ही रहेगा करेला। तो बस मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है, एक सीटी में उबल जाएगा। इसे आप भाप में पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इसको सीटी लगा के जल्दी उबल जाता है, सीटी लगा देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रखा है। यहाँ पे खूब सारी दही लिया है जार में और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है और 5 चम्मच मैं बेसन डालूंगी क्योंकि आज कढ़ी मैं कड़ाही भर के बनाऊंगी। दोनों टाइम बड़े आराम से हम लोग खाएंगे, बहुत पसंद करते हैं हम सब कढ़ी को, सुबह के टाइम तो खाते ही खाते हैं, लेकिन जब ये शाम के टाइम बासी हो जाता है ना तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बासी निमोना, बासी कढ़ी, सांभर बासी पीने में, मतलब दूसरे टाइम पीने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 प्याज ली है, खूब सारी हरी मिर्ची ली है, इनको चॉपर में काट करके डाल दिया है, इसको बस घिस लेंगे, बारीक बारीक चॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है, अब फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा करेला था एक सीटी में कितने अच्छे से उबल गया है। करेला इतना मुलायम नरम था ना, इसमें बीज नहीं था, और करेला देख के मुझे भरवा कलौजी बनाने का मन हुआ। पद्देव जी बोल ही रहे थे कलौजी बनाने से पहले मुझे चोखा बना के खिला देती तो बहुत अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है, आपकी डिमांड है तो भाई मैं चोखा बना ही देती हूँ। वैसे ना कभी कभी खाने का मन किसी का होता है तो वैसे जल्दी कहते नहीं कि ये बना दो वो बना दो, लेकिन कभी उनका मन हुआ तो ज़रूर ये चीज़ मुझे बना के खिला दो। तो मैं कहती हूँ कि उनकी फरमाइश फटाक से पूरी की जाए, चाहे उनकी फरमाइश हो चाहे बच्चे की फरमाइश हो, फटाफट से पूरी की जाती है हमारे घर में। मैं अपनी खुद की फरमाइश पूरी करूँ कि नहीं करूँ ये बात अलग की है, मैं बाद में खुद को रखती हूँ, लेकिन पहले सबसे बच्चे और पद्देव जी को रखती हूँ। देखो पद्देव जी की बात मैं कहूँ तो वो कभी कहते ही नहीं कि मुझे ये बनाओ खिलाओ, जो घर में रूखा सूखा रोटी नमकीन चटनी सब्जी दाल कुछ भी बना दो उनके आगे रख दो, वो चुपचाप खा लेते हैं। कुछ भी नहीं है तो उनको दूध रोटी दे दो, चुपचाप खा लेते हैं, मलाई रोटी खा लेते हैं। हमारे घर में सब लोग भी ऐसे हैं, बच्चे भी ऐसे हैं हमारे। हाँ थोड़ी सी गौरी मतलब नटखट है, शरारती है, तो वो ज़्यादा करती है, मतलब ताम झाम ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और खूब सारी पकौड़ियाँ निकाल ली। बच्चे पूछ ही रहे थे मम्मी पकौड़ी बनी थी, गई तो गई कहाँ, हमने कहा तुम लोग सो ही रहे थे, सारी पकौड़ी मैं अकेले ही खा गई। और देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पकौड़ियाँ निकली। इसमें मैंने अजवाइन जीरा नमक थोड़ी सी हल्दी डाल के ही पकौड़ियाँ बनाई हैं, सादी सिंपल। कभी कभी प्याज वाली बना देती हूँ, कभी कभी बीच में सादी सिंपल बना देती हूँ, 2 तरीके की हो जाती। बस वही जो थोड़ा सा उसमें कढ़ाई में तेल था, सारा तेल निकाल के कढ़ाई में मैंने थूकी लाल मिर्च जो है इसमें मेथी दाना जीरा डाल दिया है, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची डाल के बस इसको भून देना है अच्छे से। और तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर एकदम ब्राउन नहीं हो जाता, एकदम लाल लाल नहीं हो जाती, तब तक भूनना है। और कड़ी पत्ते को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। कड़ी पत्ते का स्वाद ना कढ़ी में ही आता है, वैसे आप दाल में भी डाल सकते हैं, सांभर में तो जाता ही जाता है, लेकिन कढ़ी पत्ते का स्वाद जो कढ़ी में आता है ना उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो यहाँ पर छाछ और क्या कहते हैं बेसन मैंने घोल करके रखा था पानी में, जो कि मैंने आप उनको दिखाया ही था पहले, बस उसको डाल दिया है। और उबलने के बाद मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ डाली है, लाइट गायब हो चुकी थी जैसे ही डालने लगी। चलिए लाइट जलाते हैं और फिर पकौड़ियाँ ऐड करके भी इनको 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं, उसके बाद बस इसमें तड़का लगा देंगे। हमारा ये कढ़ी बन करके तैयार है, आप रोटी चावल के साथ खाएं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने कहा चलो भाई चोखा भी बना लेते हैं। चोखे में मैंने डाला सरसों का तेल, अचार का मसाला, अचार का मसाला इसी कलछी से मैंने निकाला था ना, खूब सारा इसमें लगा था, तो मैंने कहा चला इसी कलछी से मैश कर देते हैं, जो भी अचार का मसाला होगा इस करेले में आ जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्ची प्याज जो चॉपर से चॉप किया था उसको डाल दिया है, बस नमक स्वादानुसार डाल के मिक्स कर दिया, चोखा हमारा बन करके रेडी है। खाइए बनाइए, कभी आपको कैसा लगता है बताइएगा। मैंने थोड़ा सा ही बनाया था पहले ट्राई करने के लिए, क्योंकि पहले कभी बनाया नहीं था ना इसलिए। तो यहाँ पे तड़का पैन चढ़ा है, इसमें जो है जीरा, सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया के बीज और प्याज जो मैंने चॉपर से चॉप किया था उसको, चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें कलर के लिए, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया, बस तड़का लगा दिया है। बढ़िया फर्स्ट क्लास कढ़ी बन करके रेडी है।
आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे पसंद हो। बहुत सारे लोग वैसे भी कटोरी में भर के चम्मच से खाते हैं, उनको वैसे पसंद होता है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदि है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं। जब हम कढ़ी बनाते हैं ना, इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझसे बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। हर बर्तन में ये कर लो वो कर लो, जितना बर्तन हो सके उतना बर्तन निकाल लो। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, सबको दोपहर का लंच कराया। मेरा भी व्रत था, मैंने कहा चलो भाई मैं भी टाइम से आज दोपहर का लंच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 बजे 2 रोटी, थोड़ा सा चोखा जो बनाया था, कढ़ी तो इतनी बढ़िया बनी थी, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बनी थी। और जो ये करेले का मैंने चोखा बनाया था, ये भी अच्छा लग रहा था। करेला ना कड़वा तो होता ही है, इसमें क्या ही कहने, लेकिन अच्छा बना था। और उसके बाद खाना चबा चबा के खाना है। 2 रोटी मैंने दोपहर के टाइम खाई है, चावल मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। उसके बाद शाम के टाइम सबको चाय वाय बनाया पिलाया, लेकिन शूटिंग नहीं की थी। कल पूरा दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी, फ़ोन भी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था, पूरा दिन का पूरा दिन लाइट गायब। और बारिश की वजह से सीट भी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा पैर को ना घास पे चलते हैं, बारिश के मौसम में घास बहुत सुंदर निकल जाती है और घास पे चलने में बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी घास ऐसे गुदगुदी सी पैरों में करती है। तो यहाँ पर टहल के आए हैं, मतलब पूरा एक चक्कर लगाया है। उसके बाद बैठकी होती है ना, तो उसके बाद मैंने कहा चलो भाई मैं थोड़ा सा घास पे चल लेती हूँ, उसके बाद घर चलती हूँ। और कभी कभी ऐसे होता, बात करते करते ना अपनी सखी सहेलियों से हम भूल ही जाते हैं, वीडियो बनाना होता है, कभी कभी याद होता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है, आप लोगों को पता है, रोज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं वॉक पे जाती हूँ। आप लोगों को भी अब पता चल चुका होगा 2-3 सालों से वीडियो देखते देखते कि हाँ, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम दोनों टाइम वॉक जाती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वॉक करनी होती है, सिर्फ इसलिए भी कि मुझे बाहर घूमना होता है, थोड़ा सा मन फ्रेश करना होता है, सभी हमारी कॉलोनी से मिलना जुलना हो जाता है इसी बहाने, और अच्छा लगता है, मतलब बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए भी हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और सारे घर के काम तो हम दिन भर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलो ना तो गप्पे सप्पे हो जाती है, इधर उधर की हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है। वहाँ से लौट गए, मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, रोटियाँ बनाई, और शाम के डिनर में आम रोटी से अच्छा आजकल कुछ हो सकता है कि नहीं। अब आम के साथ 1 रोटी तो भाई मुझसे नहीं खाया जाता, आम के साथ तो 2-3 रोटी हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल के साथ मैंने 2 रोटी खाई है। शाम के 7:30 बजे हमने डिनर कर लिया था, सबका आम वाम गार के मैंने निकाल के रख दिया है, सब लोग अपना खाते पीते रहेंगे क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो खाना बना के मैं रख देती हूँ, जिसका जम्मन होता है वो ले के खा लेते हैं, फिर मैं दे देती हूँ। और वो खाना खाने के आधा घंटा बाद, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फैट कटर ड्रिंक पिया। इसके बाद मैं करूँगी स्नान 1 घंटे बाद, उसके बाद मैं अभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको मैं करती रहती हूँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे।